सो हे गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हेल्प हिंदी में और मेरा नाम मनीष। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गूगल ने अपने गूगल फोटोज में अनलिमिटेड स्टोरेज वाली जो पॉलिसी है उसको खत्म कर दिया है। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। खैर, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक जून से पहले आपको क्या क्या सेटिंग कर लेनी है ताकि आपको जो है ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधी बात बकवास। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है आपको फोटोज़ की जो क्वालिटी है उसको चेंज करना है। उसके लिए आपको यहाँ अपने प्रोफाइल आइकन पे जाना है और यहाँ पर आपको फोटो सेटिंग्स के अंदर जाना है, बैकअप एंड सिंक के अंदर जाना है और यहाँ पर जो है आपको अपलोड साइज के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको केवल चूज़ करना है हाई क्वालिटी वाला। यहाँ पर जो है आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा एक जून तक और यहाँ पर जो है आपकी जो क्वालिटी रहेगी वो बेस्ट रहेगी। अगर आप नीचे वाला चूज़ करते हैं तो ये भी सही है, लेकिन आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिटी मिलेगी आपको हाई क्वालिटी से कम मिलेगी। और यहाँ पर जो है एक और बात ध्यान रखने वाली है कि मान लीजिए आपने अभी तक अपनी सारी फोटोज जो है वो हाई क्वालिटी में अपलोड करी है और यहाँ पर जो है आप सेटिंग में जाके एक्सप्रेस को चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है आपकी सारी फोटोज दोबारा से अपलोड होने वाली है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वालिटी चेंज करने से पहले। और यहाँ पर जो है आपको ओरिजिनल क्वालिटी मिल जाएगी जिसमें जो है आपका स्टोरेज यूज़ होने वाला है। तो आपको क्या चूज़ करना है, हाई क्वालिटी चूज़ कर लेना है आपको एक जून से पहले पहले। अब अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको जो है ऑटो बैकअप ऑन कर देना है। यहाँ पर हो सकता है कि आपने बैकअप एंड सिंक को ऑफ कर रखा हो, तो यहाँ पर जो है आपको ऑटो बैकअप ऑन कर लेना है और यहाँ पर जो है आपको अपनी आईडी चूज़ कर लेनी है। तो इस चीज़ को भी आपको जरूर कर लेना है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक फोल्डर को अपलोड करना तो उसको भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर मैं लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ। इसके बाद आपको यूटिलिटीज़ में जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिल जाएगा बैकअप डिवाइस फोल्डर। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सारे फोल्डर दिखा देगा। आपको क्या करना है कि जो भी फोल्डर आप अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं एक क्लिक में। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप फोटो को अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिंपली में कर सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं चाहते कि सारी फोटो को अपलोड करना, तो अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फोल्डर को अपलोड करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी मोबाइल डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ प्रोफाइल आइकन पर जाना है, फोटो सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको जाना है बैकअप एंड सिंक में और यहाँ पर आपको जाना है मोबाइल डेटा यूसेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है आपका डिफ़ॉल्ट में जो है वाईफाई यूज़ करेगा गूगल फोटोज, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल डेटा यूज़ करके फोटोज़ में बैकअप बना सके तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि 30 MB बस यूज़ होगा या फिर 10 MB यूज़ होगा या फिर 5 MB यूज़ होगा या फिर अनलिमिटेड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सेटिंग भी आपके बहुत कॉमन वाला है। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्री अप स्टोरेज का। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्री अप स्टोरेज आप करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी गूगल फोटोज़ की जो स्टोरेज थी वो खत्म होने वाली है। जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो गूगल फोटोज़ क्या करेगा कि जो भी फोटोज़ जो है आपकी बैकअप हो चुकी हैं उनको आपके फ़ोन में से डिलीट कर देगा। मतलब आपके गूगल फोटोज़ में वो रहने वाली हैं लेकिन आपके फ़ोन में से डिलीट होने वाली है। मतलब आपके फ़ोन की स्टोरेज बढ़ने वाली है, गूगल फोटोज़ की स्टोरेज जो है इससे नहीं बढ़ने वाली है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अब अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको सही आईडी चूज़ करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी आईडीज़ हैं, हो सकता है कि आपके पास भी काफ़ी सारी आईडीज़ हों। तो आपको करना क्या है कि आपको सही आईडी चूज़ करनी है जिसमें जो है आप अपनी फोटो जो है बैकअप बना रहे हैं उसी में ही आप बैकअप बनाएं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक आईडी में बैकअप बना लिया और उसके बाद आपने गलती से दूसरी आईडी चूज़ कर लिया तो वो जो सारी फोटोज़ हैं वो अलग रहने वाली हैं पहली आईडी से। मतलब आप जितनी भी आईडी बनाएंगे वो जो है एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करने वाली है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो ये रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना।